गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु में अभी तक हमने परमाणु के बारे में कुछ जानकारियां पढ़ ली थी। अब हम शुरू करेंगे मॉलिक्यूल, अणु क्या होता है या अणु किसे कहा जाता है। तो देखिए एटम्स जो हमने पढ़ा था, किसी सब्सटेंस का, किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी आगे और उसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब अगर ये बात करें कि एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, यानी अकेला परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आ सकता है या नहीं आ सकता, तो परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो कि कुछ परमाणुओं के ग्रुप के यानी समूह के रूप में मिलता है। यानी उसका अस्तित्व कब संभव होता है, जब कुछ परमाणु मिल जाते हैं, और परमाणु के मिलने को कहते हैं अणु यानी मॉलिक्यूल। द कलेक्शन ऑफ वेरियस एटम्स दैट कंबाइंड केमिकली विद ईच अदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। अणु क्या होता है, अनेक परमाणुओं का वह समूह जिसमें परमाणु एक दूसरे के साथ रासायनिक रूप से मिले होते हैं अणु कहलाता है। जिसमें केमिकली कंबाइन यानी रासायनिक रूप से मिल जाएं और मिलने के बाद एक मॉलिक्यूल यानी एक पदार्थ का नया हिस्सा बना दें। तो देखिए एटम्स सबसे यानी परमाणु सबसे छोटा भाग था जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं आ सकता था। अब मॉलिक्यूल जब ग्रुप बन गया एटम्स का, परमाणु का एक समूह बन गया, तो अणु यानी मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा वह भाग होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। अब अणु की बात करें, जैसे देखिए हमने पढ़ लिया कि अणु जो है वो परमाणु का समूह होता है। अब अगर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन मिल जाए, यानी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल एक एलिमेंट बनाने के लिए कितने एटम की जरूरत होती है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल एक अणु बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन एटम की जरूरत होती है, तो जितने एटम यानी जितने परमाणु हमें एक अणु को बनाने के लिए चाहिए वो होता है उस अणु की परमाणुता, एटोमिसिटी कहा जाता है। एटोमिसिटी क्या होती है कि कितने परमाणु हमें चाहिए किसी पदार्थ का एक अणु बनाने के लिए। एटोमिसिटी परमाणुता, परमाणुता क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुता कहा जाता है। देखिए उदाहरण के लिए अगर हाइड्रोजन की बात करें तो दो हाइड्रोजन मिलकर के एक एलिमेंट बनाते हैं H2 लिखते हैं।
हीलियम को अगर देखें तो हीलियम अकेला ही एग्जिस्ट करता है, यानी इसकी एटोमिसिटी 1 है, और हाइड्रोजन को एक एलिमेंट बनाने के लिए 2 एटम चाहिए, इसकी एटोमिसिटी 2 है। फास्फोरस को 4 चाहिए, तो फास्फोरस की एटोमिसिटी 4 है। जिसकी एटोमिसिटी 1 हो वो होता है मोनो एटोमिक, मोनो एटोमिक। जिसकी एटोमिसिटी 2 हो वो डाई एटोमिक। ये एकल परमाणु, ये द्वि परमाणु 4 है, उसको टेट्राएटॉमिक बोल देते हैं, या 2 से ज्यादा जो भी आ जाए वो सारे पॉलीएटॉमिक होते हैं, बहु परमाणु पॉलीएटॉमिक। और देखिए कुछ एलिमेंट्स, एलिमेंट उसकी एटॉमिसिटी और फॉर्मूला। एलिमेंट है हाइड्रोजन, एटॉमिसिटी 2, फॉर्मूला H2। एलिमेंट ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी 2, फॉर्मूला O2। एलिमेंट आर्गन, एटॉमिसिटी 1, फॉर्मूला आर्गन। अगर एटॉमिसिटी 1 है तो यहां कुछ नहीं लिखना, अकेला एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। नाइट्रोजन एटोमिसिटी 2, फॉर्मूला N2 लिखा जाएगा। ये कुछ जनरली मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, यौगिक हैं, जिनकी एटोमिसिटी परमाणुता हमें पता होना चाहिए। बहुत सारी अभिक्रियाओं में ये प्रयोग किए जाते हैं। देखिए अगले क्रम हम पढ़ते हैं वैलेंसी, संयोजकता क्या होगी। वैलेंसी VALENCY संयोजकता, इट इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम और एलिमेंट, एटम मॉलिक्यूल और एलिमेंट। किसी परमाणु, अणु या तत्व की अभिक्रिया करने की क्षमता को संयोजकता कहा जाता है। क्योंकि क्षमता का मतलब क्या है, जैसे नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7 होता है, पीछे पढ़ लिया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, तो जो 5 है, एक एग्जांपल उठाते हैं बेरिलियम या बोरोन, एटॉमिक नंबर 5, 2 और 3, और जो 3 है। अब देखिए जो बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन लिखे गए हैं वो अगर 8 से कम है तो यही वैलेंसी रहेगी, अगर 8 से ज्यादा हो जाए, सॉरी 4 से कम है तो वैलेंसी यही रहेगी, अगर 4 से ज्यादा हो जाए तो उसको 8 में से घटा दिया जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन 8 में से घटाओ, 3 वैलेंसी नाइट्रोजन की और 3 ही बोरॉन की। ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालो, 6 इलेक्ट्रॉन 8 में से घटाओ, 2। तो वैलेंसी का यूज कहां करते हैं, जब कोई भी एलिमेंट, तत्व और मॉलिक्यूल, अणु जब रिएक्शन करता है, किसी अभिक्रिया में भाग लेता है, तो उसकी संयोजकता के आधार पर ही दूसरे तत्व उसके साथ अभिक्रिया करते हैं। देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी एलिमेंट, तत्व और वैलेंसी संयोजकता। जनरली कुछ पदार्थों में मैं आपको लिखा देता हूं जो हमें आगे चाहिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हीलियम की 0, लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 5, सॉरी 3,
कार्बन फोर, फोर ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, साझेदारी करता है, बैलेंस शीट जीरो भी लिख सकते हैं। कार्बन फोर, नाइट्रोजन थ्री, ऑक्सीजन टू, फ्लोरीन वन, न्योन जीरो। लेकिन मैक्सिमम फोर तक जाएगी और मिनिमम जीरो हो जाएगी। ये दस एलिमेंट पदार्थ जिनकी बैलेंस ये आपने याद रखनी है। उसके बाद 11 से 20 तक भी आपको याद होना चाहिए, वो आप खुद लिखोगे। लिखोगे कैसे, जीरो आ गया तो 11 नंबर, सोडियम की वन, मैग्नीशियम की टू, एल्यूमिनियम की थ्री, सिलिकॉन की फोर, फिर दोबारा नीचे चले जाना, थ्री फोर के बाद नीचे आ जाना, फास्फोरस की थ्री, सल्फर की टू, क्लोरीन की वन, आर्गन की जीरो, फिर बढ़ते जाना है, पोटेशियम की वन, कैल्शियम की टू। इस तरह से 20 तक आप कंप्लीट कर लोगे। अगर बैलेंस से आपको याद है तो उसके बाद हम केमिकल फॉर्मूले बनाना सीखेंगे, वो बड़े आसान हो जाएंगे। ये अच्छी तरह पढ़ना। धन्यवाद।